हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमेश, एमएस जनरल सर्जन, आपको अपने यूट्यूब चैनल सर्जरी ऑनलाइन पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 बहुत ज़्यादा दुनिया भर में फैला हुआ है और इसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन हो रही है जो लंग में, फेफड़े में होती है, जिसे निमोनिया कहते हैं। निमोनिया एक लंग में हो सकता है या दोनों तरफ भी हो सकता है और ज़्यादा सीरियस हो सकता है। तो निमोनिया अगर आपको होता है कोविड-19 में, तो लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो फेफड़े की कैपेसिटी को आप घर पे रहकर कैसे बढ़ा सकते हैं, फेफड़े की एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि और भी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बद्रीनारायण गुप्ता, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी। आज हम लोग अपने फेफड़े की इलास्टिसिटी और इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुछ यहाँ पर एक्सरसाइज, कुछ योगा प्राणायाम मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कि कोविड-19 में बहुत ही उपयोगी साबित होगा। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये तीन प्राणायाम आप कर सकते हैं और कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। भस्त्रिका में श्वास खूब बाहर निकालना है, फिर अंदर लेना है। फिर अनुलोम विलोम, एक नाक अंगूठे से बंद करिए, धीरे धीरे श्वास को अंदर लेना है, रोकना है, फिर बाहर छोड़ना है, फिर दूसरे नाक से सांस को लेना है धीरे धीरे और बाहर छोड़ना है। और कपालभाति, बैठ के सीधे और 1 मिनट में 60 सेकंड बाद, जैसे नाक साफ करते हैं उस तरह से सांस को झटके से बाहर निकालना है। और पेट को अंदर लेना। कुछ एक्सरसाइज है, जैसे 50 साल 60 साल से ऊपर वाले, वो बैठ के व्यायाम तो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से कर सकते हैं, ऊपर ले जाएं सांस खींचे, नीचे ले जाएं सांस बाहर छोड़े, झटके से लें, झटके से छोड़े। इस तरह से 40-50 बार कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद फिर इसको रिपीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी और भी कोविड से रिलेटेड जानकारी हम आपको देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली हेल्थ इंफॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।